कांग्रेस को सामने रख करके गठबंधन होता और कांग्रेस को बड़ा भाई मान करके देश का चुनाव था, ये बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप स्टेट पॉलिटिक्स में आगे आप बढ़ा करके आरजेडी को रखते। यह कांग्रेस एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है, ये नहीं कि एनडीए इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो। गोड्डा में हम प्रदीप जी के यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे और हम चाहते हैं कि हर कीमत पर रोहिणी आचार्य जी और दूसरी जो बड़ी मिश्रा जी हैं, हमारी शुभकामना है कि वो चुनाव जीते। हमारा पूरा स्नेह है कि वो चुनाव जीते, लेकिन हम कांग्रेस के साथ अंतिम क्षण तक हैं, अंतिम क्षण तक रहेंगे और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन किसी भी परिस्थिति में शहाबुद्दीन जी के परिवार के साथ है। थर्ड फेज में लालू परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है, क्या कितनी सीटें लालू परिवार ला सकता है? देखिए, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। यदि कांग्रेस को सामने रख करके गठबंधन होता और कांग्रेस को बड़ा भाई मान करके देश का चुनाव था, ये बिहार का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव होता तो निश्चित रूप से आप स्टेट पॉलिटिक्स में आगे आप बढ़ा करके आरजेडी को रखते। यह कांग्रेस एनडीए वर्सेस इंडिया का चुनाव है, ये नहीं कि एनडीए इंडिया को नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, ये नहीं। आप यहाँ एनडीए को देंगे और कहीं पर किसको देंगे, आप हमको बताइए ना। आपको पहले किसी भी कीमत पर कांग्रेस को आगे अभी भी करने का मौका है, आप करिए। कांग्रेस को आप बिहार में बिल्कुल नासमझ बना दिए हैं और आपने बैक फुट पर ला दिया है। कांग्रेस को आगे रख करके आप चुनाव लड़ते तो आज सीन कुछ और होता, 20 सीट से ज़्यादा हम लोग यहाँ चुनाव जीतते। तेजस्वी यादव आपके खिलाफ़